सेंटीमीटर क्यूब हाई वा सीसी भू क्यूबिक सेंटीमीटर पूरा युग हाई सेंटीमीटर अर्क नाम के सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर हाई सर्ट फॉर्म में हम सीएमक्यू लेख हाई अभी यहाँ के ये जस्ट इंडेक्स होना लगे केजी बाय मीटर क्यूब लेखा होता वा ई मीटर क्यूब मार्क लगा के इंडेक्स में माइनस थ्री आरा यू क्यूब सो दिस इज द डेंसिटी अभी एटा कुछ चाहे न्यूमेरिकल कर भाई बहनी दुईटा नोट कर समझे गयो वाटर को डेंसिटी डी डी को डेंसिटी डेंसिटी अफ वाटर चाहे एसआई सीस्टम में 1000 केजी बाय मीटर क्यूब लिंचु अभी सीजीएस में के लिंचु 1 ग्राम बाय सीएम क्यूब लिंचु अभी मर्करी को 13.6 केजी बाय मीटर क्यूब एसआई सीस्टम में सीजीएस में के साथ 13,600 ग्राम बाय सीएम क्यूब अबाउट द डेंसिटी हो हाई डेंसिटी के बुझ् भाई कुछ बॉडी को यूनिट वॉल्यूम में उसको मास कति दैट गिव द डेंसिटी डेंसिटी ने क्या रिप्रेजेंट कर बॉडी चाहे हेवियर कि लाइटर कुछ सब्सटैंस को डेंसिटी बा तुम्हें के बुझ्छ डेंसिटी ने क्या इंप्लाइज कर तो सब्सटैंस चाहे हेवियर कि लाइटर यदि दुईटा सब्सटैंस को डेंसिटी दिखे एवटा को मानो 100 एवटा को मानो 10 तुम्हें यहाँ के बुझ्छ इसमें तो 100 वाला सब्सटैंस के हेवी होता 10 वाला के लाइट हो। अब हम पास रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी रिलेटिव के रिलेटिव रिलेसन जोड़े हाई रिलेटिव कसैसंग जोड़ दिया भाग अब सब सब्सटैंस को डेंसिटी तो फरक फरक हो कंपेयर तो करूँ एउटा सब्सटैंस को डेंसिटी अर्को भन्दा कुन सब्सटैंस हल्को कुन चाहिँ भारी त्यो कंपेयर करना को लगी जिनकी हम वाटर यूज कर सब्सटैंस कें यूज गए कुछ भी सब्सटैंस को डेंसिटी हमी कंपेयर कराखे वाटर व्हाई ओन्ली यू चूज द वाटर बिकज वाटर हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी सो वी यूज द वाटर दैट स्पेशल प्रॉपर्टी इज व्हाट द डेंसिटी अफ वाटर इन सीजर सिस्टम इज अ वन और कुछ भी सब्सटैंस को डेंसिटी वन न भएको कारणले वाटर को डेंसिटी वन हो कारण हमी अर्क सब्सटैंस को डेंसिटी वनसंग कंपेयर तुलना कर सक वन भन्दा सानो पनि हुन सक्छ वन भन्दा ठूलो पनि हुन सक्छ त्यही हो वाटर को डेंसिटी यूनिट भएको कारणले गर्दाखेरि हमी कुछ सब्सटैंस को डेंसिटी वाटरसंग तुलना करने हम के रिलेटिव डेंसिटी तर तुलना गर्दाखेरि ध्यान के दिनुपर्यो भने त्यो हमें जब तुलना करो सब्सटैंस जो सब्सटैंस को हम आरडी निकाल्न खोज्छौ यहाँ ध्यान यो टर्म चाहिँ बुझ्नुपर्यो रिलेटिव डेंसिटी में एउटै टर्म चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ जो सब्सटैंस को मान एक सब्सटैंस को म रिलेटिव डेंसिटी निकाल्न सक्छु जति हुन्छ यो सब्सटैंस को भोल्युम त्यति नै भोल्युम चाहिँ जसको लिनुपर्यो वाटर को पनि भोल्युम के हुनुपर्यो सेम सब्सटैंस को जति भोल्युम छ त्यति नै भोल्युम कसको लिनुपर्यो वाटर को लिनुपर्यो हाई मानो सब्सटैंस को भोल्युम छ 100 मीटर क्यूब तो तिमीले 100 मीटर क्यूब को नै के लिनुपर्यो वाटर लिनुपर्यो। अब दुईटा सब्सटैंस यो सब्सटैंस भयो यो चाहिँ वाटर भयो अनि दुईटाको के गर्छ हामी रेशियो लिन्छ डेंसिटी को रेशियो लिन्छ त्यसले हामी के भन्छौ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में अरु केही पनि छैन ओन्ली यू हैव टू माइंड और यू हैव टू केयरफुल अबाउट द इट इज जस्ट द रेशियो अफ द डेंसिटी अफ सब्सटैंस टू द डेंसिटी अफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस हैविंग द सेम वॉल्यूम अफ द बोथ दुबई को बराबर वॉल्यूम को दुबई सब्सटैंस वाटर वा अर्क जो सब्सटैंस होसको दुबई को वॉल्यूम बराबर तो दुबई बराबर वॉल्यूम को चाहे डेंसिटी को रेशियो लियो हमी के रिलेटिव डेंसिटी अनि फेरि एउटा विद्यार्थी को माइंड में यह आउन सक्छ भाई बहनीलाई यो 4 डिग्री सेल्सियस किन लिएको भनेको हुन त यो कुरा हामी हिट चैप्टर में आज डिस्कस गर्छौ हुन त यो एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर हाम्रो सिलेबसबाट हटाई सके अझ हामी बुझ्न सक्छौ वाटर को डेंसिटी टेम्परेचर अनुसार चाहिँ भ्यारी हुन्छ वाटर को डेंसिटी स्लाइटली भ्यारी हुन्छ तलमै टेम्परेचर घटबढ गर्दाखेरि अनि 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर को डेंसिटी 1 हुन्छ वा मैक्सिमम हुन्छ अनि त्यही कारण हामी 4 डिग्री सेल्सियस
भन्दा तल माथि गयो भने वाटर को डेन्सिटी वन हुँदैन, त्यो हल्का स्लाइटली चाहिँ के हुन्छ डिफर हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। त्यसले 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटर को डेन्सिटी वन भएकाले हामी यहाँ के लियो गरे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखे हो के। सो यहाँ के भनेको छ आरडी को मिनिङ के हो, डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स अपन द डेन्सिटी अफ वाटर। माइन्डमा के राख्नु पर्यो, दुबै को भोल्युम चाहिँ के हुन्छ बराबर छ भन्नु खोजेको। अब यहाँ त्यसले डेन्सिटी भनेको के हो, मास बाइ भोल्युम, मास अफ सब्सटेन्स मास बाइ भोल्युम अफ सब्सटेन्स भयो। अनि वाटर हामीले लिएको छ, मास अफ वाटर भोल्युम अफ वाटर भने सिम्बलमा एमन एम वन भी वन एम टू भी टू सजिलो लाग्यो। अनि हामीले के भन्यो, यो सब्सटेन्सको भोल्युम र वाटरको भोल्युम के छ बराबर छ एज फ्रम द डिफिनेसन। हामी डिफिनेसनमा नै भनेको आरडी भनेको जति हुन्छ सब्सटेन्सको भोल्युम त्यति नै कसको भोल्युम हुन्छ वाटरको हुन्छ। अनि यो दुईटा बराबर भयो क्यान्सल हुन्छ, लास्टमा के हो आरडी बराबर मास अफ द सब्सटेन्स अपन द मास अफ द वाटर ह्याभिङ द सेम भोल्युम। अर्को डिफिनेसन हामी बनाउन सक्छौँ, रिलेटिभ डेन्सिटीको हामी तिन चारवटा डिफिनेसन बनाउन सक्छौँ। एउटा डिफिनेसन सुरुवात फन्डामेन्टल डिफिनेसन यो भयो, अर्को हामी के बनाउन सक्छौँ रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको खोजेको इट इज द रेसियो अफ द मास अफ द सब्सटेन्स टु द मास अफ वाटर ह्याभिङ द सेम भोल्युम। सेकेन्ड डिफिनेसन, अब यही क्वेसनमा माथि तिमी जी दियो तर पनि जी मल्टिप्लाई गर्यो भने के भन्छ वेट भइहाल्छ, मास इन्टु एसिलेसन डी टु ग्राभिटी। यही क्वेसनमा यदि हामीले यहाँ तलमाथि चाहिँ जीले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ एमजी भनेको वेट होइन, यहाँ अर्को डिफिनेसन फर्मुला यो रिलेटेड भनेको वेट अफ सब्सटेन्स अपन द वेट अफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस ह्याभिङ द सेम भोल्युम। यो कन्सेप्ट चाहिँ नबिर्सौँ, रिलेटिभ डेन्सिटी रेखा निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ डिफिनेसनमा नै वा हामी एज्युम नै गर्छौँ सब्सटेन्सको भोल्युम र वाटरको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। अब यो आरडी इज अ रेसियो अफ द सेम फिजिकल क्वान्टिटी, माथि पनि डेन्सिटी तल पनि डेन्सिटी छ, यहाँ जे यहाँ पनि यसरी सेम युनिट हुन्छ, फेरि आरडीको कुनै युनिट हुँदैन, बोथ क्यान्सल हुन्छ। आरडी इज अ नट आरडी हेभ नो एनी युनिट बिकज इट इज अ रेसियो अफ द सेम युनिट अफ द सेम युनिट अफ द फिजिकल क्वान्टिटी भनेको है। अनि आरडीलाई हामी अर्को नाम चाहिँ के भन्छौँ स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भन्छौँ। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको फोर्समा आउँछ, ध्यान कन्फ्युज नहुने, इट इज अ स्पेसिफिक ग्राभिटी नट ओन्ली द ग्राभिटी भन्छ है, यहाँ नाम फरक कन्फ्युज नहुने है। ग्राभिटी यहाँ छ, यहाँ फोर्सको कुरा आउँदैन, यहाँ स्पेसिफिक ग्राभिटी छ, ओन्ली ग्राभिटी होइन। फेरि रिलेटिभ डेन्सिटी अर्को नाम चाहिँ के हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भन्छौँ। अनि यसको कुनै हुन्छ, अनि योबाट यो अर्को क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विन चाहिँ आउन सक्छ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीले यतिबाट चाहिँ आफै पनि डिफ्रेन्ट बिट्विन चाहिँ गर्न सक्छौ है, धेरै ट्राई गर्ने। इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन यु क्यान कमेन्ट मी।